भिंड जिले में अवैध रेत खनन इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ था, जिस पर जिला प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे थे, जिसे हमारे चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था। एसपी नागेंद्र सिंह श्योपुर से आए थे और श्योपुर से ही एक हवलदार और एक ड्राइवर भिंड आए। उन पर अवैध वसूली का आरोप थाना प्रभारियों के द्वारा लगाया गया था। इसको लेकर भिंड एसपी नागेंद्र सिंह शक के दायरे में चल रहे थे। इतना ही नहीं, भिंड कलेक्टर भी इन मामलों में मौन थे। तो वहीं दूसरी ओर ज्ञान न्यूज ने एक खबर दिखाई थी कोरोना काल को लेकर, जिसमें भिंड में एसपी व भिंड कलेक्टर की मौजूदगी में एक कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन देखा गया था। भिंड की जनता भी अवैध रेत उत्खनन एवं कोरोना की अव्यवस्थाओं को लेकर इन्हें हटाने की मांग कर रही थी। ऐसी कई खामियों के चलते भिंड कलेक्टर एवं एसपी को हटाया गया। अब भिंड की कमान नवागत कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत और भिंड एसपी मनोज कुमार सिंह संभालेंगे। भिंड की आम जनता को अब नए कलेक्टर और एसपी की जो नई जोड़ी आई है, उनसे नई उम्मीद जागी है। लोगों का मानना है कि भिंड को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी एवं विकास के रास्ते खुलेंगे। भिंड से प्रदीप रजावत की रिपोर्ट।